बेटे ने अपनी माँ के फोन में ऐसा क्या देखा कि उसके होश ठिकाने आ गए। बेटा, मेरे फोन में कुछ खराबी हो गई है, अगर बाजार की तरफ जाओ तो इसे भी ठीक करवा लेना, कमला जी ने अपने बेटे से कहा। राजीव ने कहा, ठीक है माँ, आप अपना फोन दे दो, मैं इसे ठीक करवा कर आपको दे दूंगा। राजीव ने अपनी माँ का फोन बैग में रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने माँ का फोन बैग से निकाला और देखने लगा कि इसमें दिक्कत क्या है। फोन ऑन करते ही राजीव को वॉलपेपर पर खुद की और माँ की तस्वीर दिखाई दी। फोटो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल में माँ के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसके बाद उसने माँ के फोन की गैलरी देखी। राजीव को फोन में कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई दी। पहली रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसके बाद दूसरी और तीसरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। वह कमरे की छत को निहारते निहारते पुरानी यादों में खो गया। उसकी और रीना की शादी होने से लेकर अब तक की सारी यादें उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चल रही थी। 2 साल पहले राजीव की रीना से शादी हुई थी। दोनों में बहुत प्यार था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इन दोनों की खुशियों से अगर किसी को दिक्कत थी तो वो थी राजीव की बहन मीरा। मीरा की अपने पति और ससुराल वालों से ज्यादा कभी नहीं बनी। मीरा शादी के कुछ महीनों बाद ही अलग घर लेकर रहने लगी थी। पहले तो उसे लगता था कि घर में झगड़े उसके सास ससुर के कारण ही होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका अपना व्यवहार ही गलत है। लेकिन अपनी गलती को इतनी आसानी से कहां मानने वाली थी, इसीलिए घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मीरा की सबसे गलत आदत थी कि वह छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती थी, और आग में घी डालना तो उसे बहुत ही अच्छे से आता था। अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़का देती और कमला जी बड़ी ही आसानी से बेटी की बातों में आकर अपनी बहू को डांट देती। रीना पलटकर जवाब देती तो उसे बात पर मिर्च मसाला लगाकर राजीव को बता देती। अपनी बीवी पर बरस पड़ता। दोनों में हुआ झगड़ा शांत भी हो जाता या कम भी हो जाता तो भाई को फोन पर वह सारा किस्सा सुनाकर उसे ताजा कर देती। घर में ऐसी आग लगी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी आग की भेंट चढ़ा रीना और राजीव का रिश्ता। रीना पर तो कई बार झूठे इल्जाम भी लगाए गए। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन ना तो उस घर में कोई उसकी सुनने वाला था और ना ही उसे कोई समझने वाला। रीना हर दिन खून के आंसू रोकर सो जाती। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन राजीव को सच्चाई का पता जरूर चलेगा, लेकिन राजीव हर बार माँ का ही साथ देता। गलती राजीव की भी नहीं थी। उसके सामने सब कुछ ऐसे प्रस्तुत किया जाता था, उसे लगता था कि सारी गलती रीना की ही है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि राजीव का हाथ रीना पर उठ गया। उस दिन रीना का जन्मदिन था। उसको सरप्राइज देने उसके माता पिता आए हुए थे, लेकिन बेटी को यूं रोता देख माता पिता को बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। रीना के मायके जाने के बाद ना राजीव ने पहल की और ना ही रीना ने। समय के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। रीना राजीव की यादों से निकलने के लिए स्कूल में नौकरी करने लग गई, लेकिन रीना को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन राजीव के सामने सच जरूर आएगा। वैसे भी झूठ के पाँव नहीं होते, इसीलिए वह ज्यादा समय टिकता नहीं है। दूसरी तरफ राजीव रीना से इतना खफा था कि उसने उसे भूलने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन ना तो यह बात कमला जी को पता थी और ना ही मीरा को। आखिर वह दिन आ ही गया जब झूठ तार तार हो गया और सच सबके सामने सिर उठाए खड़ा था। आज सब कुछ पानी की तरह साफ था। एक फोन रिकॉर्डिंग ने सबकी सच्चाई सामने लाकर रख दी थी। कुछ लोग गुनाह करके भूल गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि कोई हमारे कर्मों का हिसाब लिखता है। हम किसी का दिल दुखाकर भले ही भूल जाएं, लेकिन ऊपर वाला वक्त आने पर इंसाफ कर ही देता है।
अगले ही दिन राजीव ने मीरा को फोन करके बुलाया। राजीव ने अपने माता पिता और बहन के सामने फोन रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें मीरा अपनी माँ के कान अपनी भाभी के विरुद्ध भर रही थी और कुछ झूठे इल्जाम भी लगा रही थी, और इन सब में कमला जी भी मीरा का साथ दे रही थी। आज सारी साजिशें बेनकाब हो गई। कमला जी और मीरा जी की नजरें शर्म से झुक गई। राम सिंह जी, जो राजीव के पिता थे, बोले, क्या यह तूने किया मीरा? अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया, और कमला, तुमने अपने इकलौते बेटे का घर कैसे बर्बाद होने दिया? दोनों चुप थी और दोनों के पास कोई जवाब भी नहीं था। राम सिंह जी राजीव से बोले, बेटा, चल, अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है और हमें सच्चाई का पता लग गया है, तो रीना बिटिया को घर ले आते हैं। अपने माँ पिताजी के साथ राजीव रीना के घर पहुँचा। रीना के माँ पिताजी रीना को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन राम सिंह जी के बार बार आग्रह और राजीव के बार बार माफी मांगने के कारण रीना के पिता ने रीना को राजीव के साथ विदा कर दिया। अब रीना और राजीव का घर फिर से बस गया था, लेकिन राजीव के दिल में उसकी बहन हमेशा के लिए उतर गई थी। माँ से कुछ समय नाराज रहने के बाद राजीव और माँ की तो सुलह हो गई। बेटे की नाराजगी ने कमला जी को सुधार दिया। मीरा को भी अच्छा खासा सबक मिला। भाई भाभी से फिर कभी उसे वह सम्मान और प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद वह करती थी। मीरा ने अपनी हरकतों की वजह से हमेशा के लिए अपने भाई भाभी को खो दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए मीरा ने जो बुरे कर्म किए थे उनका फल उसे मिला, लेकिन रीना और राजीव को उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। मीरा की हरकतों के कारण एक प्यार भरा रिश्ता टूट जाता। अगर राजीव ने उस दिन वह फोन रिकॉर्डिंग ना सुनी होती तो परिणाम भयंकर होते। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें दूसरों की खुशी देखकर बहुत बुरा लगता है। वह अपनी खुशी में खुश नहीं होते, दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।